पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में ड्रीम इलेवन में करीब 1.5 करोड़ जीतने वाले सब इंस्पेक्टर सोमनाथ झेंद्रे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले को लेकर पहले उन्हें नोटिस दिया गया और अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सोमनाथ को बिना अनुमति लिए ऑनलाइन गेम में हिस्सा लेने, वर्दी में मीडिया को इंटरव्यू देने और सिविल सर्विस कंडक्ट रूल का उल्लंघन करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। खबरों की माने तो 11 अक्टूबर को सोमनाथ ने फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म ड्रीम इलेवन पर करीब 1.5 करोड़ रुपए जीते थे। उन्होंने मैच के दौरान ड्रीम इलेवन पर टीम बनाई थी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था, इस पैसे से मैं अपने घर का लोन चुकाऊंगा, बचे हुए पैसे की FD करवाऊंगा जिससे मुझे ब्याज मिलता रहेगा, फिर उस पैसे से मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। वहीं सोमनाथ की जीत की खबर सामने आती ये खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद सोमनाथ अधिकारियों के रडार पर आ गए। जांच टीम की अगुवाई कर रहे अधिकारियों का कहना था, सब इंस्पेक्टर सोमनाथ झेंद्रे ने ऑनलाइन गेम में हिस्सा लिया था। पैसे जीतने के बाद उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच की गई। जांच में पता चला कि नियमों के हिसाब से ऐसे गेम में अगर हिस्सा लेना है तो पहले अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं ली और वर्दी में उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू भी दिया। सर्विस के नियमों के हिसाब से प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल इस मामले में सस्पेंड होने के बाद अभी तक सोमनाथ का कोई बयान सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि ड्रीम इलेवन भारत में स्थित एक भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, जिसमें यूजर फैंटेसी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और बास्केटबॉल खेल सकते हैं। कंपनी की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका अब 11 करोड़ से अधिक यूजर का आधार है। लोग इसमें मैच में पैसे लगाकर जीतते और हारते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और